साहिबगंज जिले में बीती रात अपराधियों ने क्वार्टर में घुसकर एक रेल कर्मी राजकुमार चंदन की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना नगर थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित रेलवे क्वार्टर में घटी। इधर घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना प्रभारी अमित कुमार अपने दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। वहीं मृतक की पत्नी रिंकू देवी ने पुलिस को बताया कि हम सभी खाना खाकर सोने चले गए थे। मैं बच्चों के साथ दूसरे कमरे में सो रही थी कि मध्यरात्रि करीब 1:30 बजे के आसपास अज्ञात अपराधियों ने क्वार्टर का दरवाजा खोलकर घर में घुसकर मेरे पति को गोली मारकर भाग गए। उसने कहा कि हमारे पति का किसी से कोई विवाद नहीं था। हाँ, मेरे क्वार्टर के पास रोज कुछ लोग शराब पीते थे और कभी कभी शराब की बोतल मेरे आंगन में फेंक देते थे। इधर घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने बताया कि बीती रात नगर थाना क्षेत्र में क्वार्टर में घुसकर एक रेल कर्मी को अपराधी ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसकी जाँच के लिए एक टीम गठित की गयी है। भैया हम कुछ नहीं जानते हैं, आवाज हुआ एक बार खिड़की के तरफ तो हमको लगा उधर ही आवाज हुआ। फिर जब दोबारा मतलब उधर खटखट जैसा आवाज हुआ, मतलब इधर रोज हमेशा आवाज होता है। फिर जब पूरा एकदम अजीब जैसा आवाज हुआ, लगा कि कुछ जोर से बम फोड़ दिया हो। तो मेरा बाबू रोने लगा छोटा वाला एकदम जोर जोर से, और हम भी पूरा डर गए। तो हम अपना गेट को जोर से एकदम पकड़ करके वहीं 5 मिनट के लिए स्थिर हो गए। और जब बाहर निकले तो मेरा पति छटपटा रहा था। ये कितने बजे घटना है मोटा मोटी? यही 1 से 1:30 के आसपास घटना है। हाँ। आपके अभी जो बताया इर्द गिर्द में चक्री सब होता था बहुत ज्यादा, मतलब वो क्या कहता था चक्री में सब कहता था तो कि कोई बोलेगा तो हम गोली मार देंगे। हाँ, लेकिन हम कभी किसी को फेस नहीं देखे, मतलब रोज का घटना था ये। हाँ, अलग अलग लोग आता था लेकिन ऐसे पर्सनली किसी को परेशान नहीं करता था, लेकिन आपस में सब बोलता था। और मेरे आंगन में कई बार बोतल भी फेंक देता था, मतलब दारू का बोतल तो। हाँ, वो मतलब पीता होगा पूरा के जगह मेरे आंगन में फेंक देता था। क्या नाम है आपका? रिंकू कुमार। कितने बच्चे हैं आपका? दो। दो बच्चे का क्या नाम था? मिट्टू किट्टू। एक हत्या की घटना हुई है जिसमें जो मृतक हैं, जैसे प्रथम दृष्टि इनको से पता चला है कि गोली मार करके उनकी हत्या की गई है, और अभी शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इस मामले में एक टीम गठित करके हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और इसके डिटेक्शन के लिए प्रयास कर रहे हैं। सभी बिंदुओं पर इसमें जाँच अभी की जा रही है। हत्या के पीछे क्या कारण है? अभी हम लोग इस संबंध में जांच कर रहे हैं, अभी काफ़ी अर्ली स्टेज है कुछ बताने के लिए, मगर इसमें सभी बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं और इसमें हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए साहिबगंज झारखंड से अरविंद कुमार की रिपोर्ट।